हिंदुस्तान आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल सकी। ऐसा ही एक मामला बैतूल का है। यहां बारिश से नदी उफना गई। गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसे अस्पताल ले जाने के लिए नदी पार करना था, नदी पर पुल नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने गर्भवती को खाट पर लिटा कर नदी पार की। ग्रामीणों ने जान खतरे में डाली, लेकिन शुक्र है गर्भवती और उसके नवजात को बचा लिया गया है। मामला शाहपुर विकास खंड का है। पावरझंडा ग्राम पंचायत के जामुन ढाना गांव के रहने वाले रुपेश टेकाम की पत्नी मयंती गर्भवती थी। बुधवार शाम प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रुपेश ने अस्पताल ले जाने के लिए गांव के लोगों से मदद मांगी। ग्रामीणों ने मयंती को खाट पर लिटाया और अपनी जान की परवाह किए बिना उफनती नदी में उतर गए। नदी पार कर 3 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचे, तब जाकर वाहन मिला जिससे शाहपुर के लिए निकले, लेकिन रास्ते में माचना नदी उफान पर मिली। इसी वजह से वे लौट आए और महिला को भौरा के शासकीय अस्पताल ले गए। यहां मयंती को भर्ती कराया गया। भौरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार शाम महिला ने बच्ची को जन्म दिया। बैतूल के इस वीडियो को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट किया, प्रदेश के बैतूल जिले में एक गर्भवती बहन को अस्पताल ले जाने के लिए उनके परिजनों द्वारा खाट पर लेटाकर नदी पार करवाने का जोखिम न सड़क न पुल पुलिया न एम्बुलेंस न स्वास्थ्य सुविधा, सिर्फ भाषण में ही विकास नजर आता है। मामले में जयस के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल अलावा का कहना है कि देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन गांव की नदी पर अब तक पुल नहीं बन सका है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। अगर प्रशासन ने 3 दिन में पुल नहीं बनाया तो हम आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बैतूल में बारिश ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में अब तक अन्य जिलों में हुई बारिश में बैतूल सबसे ऊपर है। जून से अब तक प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बैतूल में हुई है। यहां अन्य जिलों की तुलना में 160% बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक जून से अब तक हुई बारिश में जिले में मंगलवार तक 39.17 इंच बारिश के साथ पूरे प्रदेश में शीर्ष पर है। यहाँ नदी नाले उफान पर है। बुधवार को मूसलाधार बारिश की वजह से सतपुड़ा के 7 और पारसडोह के 4 गेट खोले गए थे। अत कोना पर रोगी उठाया ना कोना